अपना साइकिल में बॉटम ब्रैकेट में शील्ड बैरिंग कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से लगेगा और शील्ड बैरिंग लगाने का फायदा क्या है साइकिल का बॉटम ब्रैकेट में। सो गाइस, आपके पास किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा रेंजर साइकिल है, आपके पास देसी 22 इंच का साइकिल या फिर 20 इंच का साइकिल या फिर इस तरह का रेंजर साइकिल है, आप अपना साइकिल में बॉटम ब्रैकेट में शील्ड बैरिंग कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से लगेगा और शील्ड बैरिंग लगाने का फायदा क्या है साइकिल का बॉटम ब्रैकेट में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को वही चीज दिखाने वाले हैं और अच्छे से बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला है, आप लोग का बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसके रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे हमारे डीए सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि हमें कमेंट किए हैं, तो उन्हीं लोगों के आधार पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज्यादा ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं कि शील्ड वायरिंग कैसे लगाना है बॉटम ब्रैकेट में। पहले आपको क्या करना है, आपका साइकिल का जो पुराना वाला बॉटम ब्रैकेट रहेगा उसे आपको खोल के हटा देना है। तो किस तरह से खोलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वाटर पिन में जो नट रहेगा ये नट को आपको खोल के बाहर निकाल लेना है। तो चलिए फटाफट हम नट को खोल लेते हैं। तो ये देखिए हम नट को जो खोल दिए, एक वाशर भी अंदर में निकला। उसके बाद गाइस ये पिन को बाहर कैसे निकालना, अगर आप सही से पिन को बाहर नहीं निकालते हैं तो ये पिन आपका खराब हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं पिन को हम बाहर निकाल लिए, लेकिन गाइस एक बार में लाग लगाने के बाद भी जो है ये पिन नहीं निकला, तो थोड़ा सा थ्रेड खराब हुआ है, ज़्यादा नहीं, तो इसमें जो है नट लग जाएगा। चलिए इस तरह से जो है आपको दूसरा साइड का भी खोल लेना, फटाफट हम दूसरा साइड का भी खोल लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों क्वार्टर पिन को हम खोले गए थे, लेकिन जाम होने का वजह से एक क्वार्टर पिन पूरा खराब हो चुका है और एक का थोड़ा सा थ्रेड खराब हुआ है, तो ये हमारा चल जाएगा। तो आपको साइकिल शॉप में दो क्वार्टर पिन लेके आना है, ठीक है, आपको नॉर्मल साइज का, आपको सिर्फ बोलना दो क्वार्टर पिन दीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसका प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो 10 रुपये करके आपको 20 रुपये लगेगा दो क्वार्टर पिन का। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इस तरह से चेन को जो है आपको पहले उतार लेना है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेन को हम उतार लिए हैं। ये देखिए गियर को अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो गियर आपका बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, तोता प्लायर लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। अगर आप ये तोता प्लायर बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप खरीद सकते हैं। और गाइस अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो गाइस, जैसा कि ये बॉटम ब्रैकेट का आप कप देख पा रहे हैं, कप के ऊपर में एक चूड़ी लगा हुआ है जो कि टाइट रहता है, तो ये चूड़ी को आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको खोलना है, ठीक है, आसानी से खुल जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये देखिए चूड़ी हमारा खुल चुका है। अब चलिए बॉटम ब्रैकेट का जो ये कप है, कप को खोलते हैं। ये देखिए, चलिए फटाफट पहले हम कप को खोल लेते, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे कप खुल चुका है, तो इस तरह से आपको खोल लेना है। अगर कप खुलने में थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो थोड़ा सा घासलेट ऑयल डाल देना है, थोड़ा देर के लिए आपको छोड़ देना, 5-10 मिनट के लिए फूल जाएगा, उसके बाद आपको खोलना है, इजिली आपको खुल जाएगा कप। उसका एक्सल को बाहर निकाल दिए हैं, आप चलिए उधर वाला कप को खोलते हैं। गाइस ऑपोजिट साइड वाला जब आप कप खोलेंगे तो इसके लिए आपको इस तरह का एक स्पैनर का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलिए हम ये कप को भी खोल के आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हम स्पैनर लगा लिए हैं और ये देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं आपका आसानी से खुल गया, ये देखिए, ठीक है गाइस, ये आपको उल्टा थ्रेड होता है जैसा कि हम आप लोग को बताएं। तो फटाफट कप को खोल लेते, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, तो ये देखिए कप जो है आसानी से खुल चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब चलिए ये जगह तो पूरा एकदम फ्रेश कर लेते हैं। सो गाइस, अंदर में जितना भी कचरा वगैरह था एकदम अच्छे से हम साफ कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो है हम अमेजोन से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाए थे गाइस, ये जो शील्ड बैरिंग है। तो चलिए हम आप लोग को पूरा पैकेट से खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए पूरा पैकेट से बाहर निकाल लिए हैं। सो गाइस ये रहा वो शील्ड बैरिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं और साइकिल रिलेटेड में नॉलेज वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। जिस तरह से वीडियो आपका काम आया उस तरह से अदर व्यक्ति का भी काम आएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और एक प्यार सा लाइक कर दे, इससे हम मोटिवेट होते हैं। इस तरह से गाइस आपको फिट करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और जैसा कि हम आप लोग को बताए थे इसका उल्टा थ्रेड होता है, अच्छा सा आपको थर्ड में मिला लेना है और इस तरह से आपको फिट करना एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको जो हाथ से जितना वो टाइट कर देना है, ठीक है, उसके बाद आपको स्पैनर लेने के बाद इस तरह से आपको टाइट करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है गाइस। चलिए हम फटाफट पहले जो है इस साइड वाला कप को टाइट कर लेते, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो
गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम एक साइड का कप को अच्छे से फिट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको जो है फुल टेट देना है, जरा सा भी लूज नहीं रखना है, ठीक है, एकदम फुल टेट देते हुए आपको फिट करना है। आप चलिए दूसरा साइड का फिट करते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं तो इस साइड वाला कप का आपको किस तरह से फिट करना है, एकदम डायरेक्टली फिट होगा। जिस तरह से आपका उस साइड वाला कप फिट हुआ उस तरह से आपका इधर वाला भी फिट होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, हाथ से जितना हुआ टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, तोता प्लायर लेना है और इस तरह से आपको टाइट देना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको फुल टाइट एकदम देना है, जरा सा भी लूज नहीं रखना था। चलिए फटाफट पहले हम फुल टाइट दे लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। हम जो है अच्छे से एकदम टाइट कर दिए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इसमें बताना चाहेंगे गाइस, ये जो रिंग है, ठीक है, ऊपर से जो टाइट होता है, ठीक है, लॉक रिंग जो है ये आपका टाइट नहीं लेगा, क्योंकि गाइस रेंजर साइकिल का जो ये स्पेस होता है बॉटम का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके वजह से। तो आपको क्या करना है, कप जितना अंदर तक टाइट लगा उतना अंदर तक आपको कप को टाइट कर देना है एकदम अच्छे से। उसके बाद जो है गाइस आपको गियर और करेंक फिट करना है। तो चलिए अब गियर करेंक को हम फिट कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम गियर करेंक सेट एकदम अच्छे से फिट कर लिए हैं और आप लोग को दिखा दिए हैं। तो इसमें हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसा कि एक क्वार्टर पिन आप देख पा रहे हैं, तो आपको क्वार्टर पिन न्यू लगा लेना अगर ख़राब हो जाता है तो। एक क्वार्टर पिन आपका इस तरह से रहेगा तो दूसरा क्वार्टर पिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी इधर जो आपका नट लगा हुआ है गियर सेट का जो क्वार्टर पिन में है, तो अपोजिट साइड के जो करेंक सेट का जो क्वार्टर पिन का नट रहेगा वो आपका उल्टा साइड में रहेगा, ठीक है गाइस, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, हम आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वार्टर पिन सेट होता है और गियर करेंक सेट इस तरह से सेट होता है, ठीक है। एक आपका नीचे रहेगा, एक आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। यानी जिस तरह से आप खोलेंगे उसी तरह से फिट करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आसानी से आपका फिट हो जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। सो गाइस आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आप ये बॉटम ब्रैकेट बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारे इधर ऑफलाइन नहीं मिला था इसलिए हम ऑनलाइन खरीदे थे। तो अमेजोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप खरीद भी सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि साइकिल का बॉटम ब्रैकेट में बैरिंग लगाने का फ़ायदा क्या है। बैरिंग लगाने का फ़ायदा यह है कि आपका साइकिल का जो पैडल है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फाइन हो जाएगा, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और ये जो बैरिंग वाला बॉटम ब्रैकेट है ये आपका लॉन्ग लास्ट तक चलने वाला होता है। इसमें आपका एक ही बार जो भी पैसा लगेगा, लेकिन गाइस अच्छा दिन तक, अच्छा समय तक चलेगा, जल्दी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको एक काम करना है, सिर्फ फुल टाइट एकदम देना है अच्छे से और समय पे ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देना बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।